दुनिया में आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे और क्रिकेट स्टेडियम भी आपने काफी सारे देखे होंगे। हाई एल्टीट्यूड पे बसे हुए क्रिकेट स्टेडियम भी आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें कि भारत का हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो क्रिकेट ग्राउंड है वो भी आपने देखा होगा। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में भी इतना हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक जो क्रिकेट स्टेडियम या फिर क्रिकेट ग्राउंड हम कह लें, वो काफी ज्यादा इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त मैं जहां पर हूँ वो एक बड़ा ही अनोखा क्रिकेट ग्राउंड है। अब ये देखिए कितना ये दूर दूर तक फैला हुआ ग्राउंड है, लेकिन एक सपाट एक समान ग्राउंड नहीं है, उबड़ खाबड़ ग्राउंड है। लेकिन इसी को ही कंडीशन कहते हैं, इसी को ही चैलेंज कहते हैं कि यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो युवा हैं वो इसी में ही क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ से क्रिकेट खेल करके वो अपना मनोरंजन कह लीजिए आप या फिर कंपटीशन कह लीजिए उसमें आगे जाते हैं। इसी तरीके के आपने पहाड़ों में कई सारे क्रिकेट ग्राउंड देखे होंगे। कहीं तो खेतों में क्रिकेट चलती है जहाँ पर एक खेत दो खेत सीढ़ी नुमा खेत जो होते हैं पहाड़ों में वो होते हैं, और कहीं पर इस तरह के ग्राउंड होते हैं जो कि प्लेन नहीं हो पाते हैं, समतल नहीं होते हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ होते हैं। इस ग्राउंड का नाम है सगवार सौड़ और ये यहाँ के कई गांवों का क्रिकेट ग्राउंड है। और जैसे कि जो लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ पार्ट टाइम खेलने के लिए बच्चे नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ के जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं वो भी इस ग्राउंड में आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट बकायदा, हालांकि बिजली पानी यहाँ पर है नहीं क्योंकि सड़क से काफ़ी ज़्यादा दूर, करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर जंगल में आकर के ये एक ग्राउंड नुमा मैदान आपको दिखता है। और बिजली यहाँ पर है नहीं लेकिन कमेंट्री फिर भी होती है। तो इसको कहते हैं जोश और जज्बा क्रिकेट के प्रति भारत में कितना है, क्योंकि भारत में क्रिकेट को एक धर्म से कम नहीं माना जाता है। और वजह यही है कि देखिए इन कंडीशनों में भी आपको यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए बच्चे ज़रूर दिख जाएंगे, हालांकि इस वक्त नहीं है। साथ ही यहाँ पर बीच बीच में तालाब भी बने हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं लड़के अपने गाय भैंस जो भी उनके होते हैं उनको चराने जंगलों में लेके जाते हैं, और इन ही तालाबों में इनकी भैंस नहाती हैं और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। साथ ही जो टूर्नामेंट होते हैं वो भी यहाँ पर खेले जाते हैं। और बारिश अगर हो ऊपर से पानी आए तो उसके लिए ड्रेनेज व्यवस्था भी की गई है, नालियाँ दी गई है पिच के इधर और पिच के उधर। और ये पिच है, आगे आइए, ये पिच है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। और इन लड़कों ने मुझे बताया कि यहाँ पर 2 से 3 पिच है, यानी कि एक साथ 2 से 3 टीमें यहाँ पर खेलती हैं। कुछ टीमें यहाँ पर खेलती हैं, मतलब एक सपोज 2 टीमें अगर यहाँ पर खेल रही है तो 2 टीमें उधर की तरफ खेलती हैं। उधर नेट लगाने की व्यवस्था भी की गई है, 2 खंभे वहाँ पर गाड़े गए हैं, उन पर नेट लगाया जाता है। और ऊपर पूरा आप देखिए पूरा जंगल है, मतलब जंगल प्रॉपर जंगल के बीच में ये ग्राउंड है, सगवार सौड़ इसका नाम है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पहाड़ों में ऐसी क्रिकेट खेली है, अगर खेली है तो आपके ग्राउंड का नाम क्या था वो भी ज़रूर आप बताइए, और ये ग्राउंड आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए।